हे गाइस, वेलकम टू सेज ब्रोस एंड आई एम सेज मूवी का फाउंडर ऑफ सीज स्पोर्ट्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हीरोज़ ऑफ माफिया, जो कि एक ब्लॉकचेन का गेम है, वेब थ्री गेम है, जो कि एक बेस बिल्डर स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम होने वाला है। या आप सही सोच रहे हो, क्लैश ऑफ क्लैंस। क्लैश ऑफ क्लैंस एक जो वेब टू गेम है उसी पे एकदम सिमिलर गेम है, बस काफ़ी अलग आर्ट वर्क के साथ एंड काफ़ी अलग कंसेप्ट के साथ, जो कि है हमारा हीरोज़ ऑफ माफिया, जो कि एक ब्लॉकचेन का गेम है। एंड गाइस, आज हम इसी गेम के बारे में पूरी बात करने वाले हैं, ओवरव्यू जानने वाले हैं एंड इनके क्या क्या फीचर्स जो ये न्यू दे रहे हैं हमें वो जानने वाले हैं एंड आप कैसे अर्न कर सकते हैं उसके बारे में। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक इनकी पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू दूंगा एंड एंडिंग में आपको मैं कुछ सजेशन दूंगा। सो गाइस, स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं आपको इनकी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो, ये फर्स्ट ट्रिपल ए ब्लॉकचेन बेस्ड बिल्डर गेम होने वाला है, जो कि इस ईयर के एंड तक में इसका बीटा रिलीज़ हो जाएगा, जो काफ़ी हम एक्साइटेड है सेज में, क्योंकि हमने इसके काफ़ी सारे लैंड भी परचेस करके रखे जो हम हमारे स्कॉलर्स को दे पाए। सो गाइस, आप देख सकते हो, कमांड योर आर्मी टू विक्ट्री, इट मीन्स आपको आपकी एक आर्मी बिल्ड करना है एंड वही फीलिंग आने वाली आपको क्लैश ऑफ क्लैंस वाली, बट साथ में आप अर्न करोगे। सो गाइस, यही तो है वेब थ्री का फीचर कि आप गेम खेल के रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप इनका डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो बिल्ड योर बेस, डिफेंड अगेंस्ट एनिमी इन्वेडर्स। सो आप देख सकते हो, ये जो स्क्रीनशॉट, एक इन गेम स्क्रीनशॉट दिखाया गया है, आपको काफ़ी हद तक दिख जाएंगे क्लैश ऑफ क्लैंस जैसा ही है, बस इसमें काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं। सो आप देख सकते हो, आपकी आर्मी है बारबेरियंस आर्चर टाइप का, एक लुक दिख रहा है एंड काफ़ी फीचर्स दिख रहे हैं। सो योर बेस इज़ योर होम, मस्ट डिफेंड एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि आपके बेस, आपका होम जो है उसे आपको डिफेंड भी करना है, साथ में आपको अटैक करके वो रिसोर्सेज भी जमा करना है, जिससे आप अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। एंड गाइस, जब ये गेम रोल आउट होगा तो आप इस गेम को तब फन से इंजॉय करोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस। सो लैंड एंड आर्मी ऑफ इन्फेंट्री व्हीकल एंड एयर यूनिट्स, आप देख सकते हो, आपके पास यहाँ तीनों प्रकार की यूनिट्स होंगी। चूज ओवर 12 डिफरेंट इन्फेंट्री व्हीकल एंड एयर यूनिट, तो 12 डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें आपको आर्मीज़ देखने को मिलेगी एंड काफ़ी सारा आप अटैक कर सकते हो। तो अर्न रूबी एंड अदर इन गेम रिसोर्सेज, सो आप यहाँ एक बार देख सकते हो, ये जो एक स्क्रीनशॉट है यहाँ, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा, या आपने इतने सारे ट्रूप्स यूज़ किए हुए इस अटैक में, जिसमें आपने एक गोल्ड एंड इसका जो एक एलिक्सर टाइप का सोर्स है, जो इसमें ऑयल बोला जाता है, एंड आपको 2 रूबी मिला है। रूबी का कॉस्ट अभी नो अननोन है, बट डेफिनेटली इसका इन गेम टोकन भी जल्दी ही लॉन्च होगा गेम के आने के बाद। एंड आप देख सकते हो, अपग्रेड योर बेस हीरोज़ एंड स्टैचू NFTs। सो आप देख सकते हो, अपग्रेड करने के लिए आपको गोल्ड लगेगा एंड सेम वही कंसेप्ट है कि आपको इतना दिन वेट करना पड़ेगा। सो मच मोर देन जस्ट अ गेम, एंड इसी चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ। तो ये तो मैंने आपको एक गेम ओवरव्यू दिया, बट ये सिर्फ एक गेम नहीं है, गेम से बहुत बढ़ के होने वाला है। जो इसका इको सिस्टम होगा, ये प्रोवाइड करेगा आप काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर। सो आप देख सकते हो, सो पहले इसकी मार्केट प्लेस आप देख सकते हो, कटिंग एज NFT मार्केट प्लेस, यहाँ आप बाय सेल सब कर सकते हो माविया टोकन का यूज़ करके। तो ये दिखा रही कि माविया टोकन का एक इतना बड़ा यूज़ केस होने वाला है। एंड लाइव बैटल स्ट्रीमिंग, सो आप यहीं पर स्ट्रीम कर सकते हो इसी की एप्लीकेशन को यूज़ करके, जहाँ आपको एक ही जॉनरा वाले पीपल मिलेंगे। सो कितना अच्छा है कि आप जब भी स्ट्रीम करोगे, आपको वही लोग देखेंगे जो उस गेम को देखना चाहते हो। तो यहाँ अगर आपका स्ट्रेटेजी, आपका गेम प्ले अच्छा है, तो आप ग्रो भी उतना ही फास्ट करोगे। एंड डेफिनेटली ये एक रिवॉर्डिंग सिस्टम होने वाला है, तो यहाँ भी काफ़ी रिवॉर्ड होंगे आपको स्ट्रीमिंग करने के। तो अब बात करते हैं बेस पार्टनरशिप मैनेजर। सो आप देख सकते हो, बेस पार्टनरशिप मैनेजर, अगर आपके पास एक लैंड है, आपने एक बाय किया, बट डेफिनेटली हर कोई नहीं खेल पाता, इतना टाइम नहीं दे पाता है, पर्सनल चीज़ें भी होती हैं, आप उसे आराम से यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। कितना आपको अपने पार्टनर को रूबी देना है, आपको कितना रूबी रखना है, जो भी गेम से अर्न होगा, आप उसे लैंड कर सकते हो एक स्कॉलर को, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड सेज में भी इसके काफ़ी सारे स्कॉलर्स होंगे। सो गाइस, डेफिनेटली हीरोज़ ऑफ माविया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेज की मिल जाएगी, तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। एंड अब यहाँ देख सकते हो ग्लोबल पेयर रैंकिंग, यहाँ सारी आपको रैंकिंग वगैरह दिख जाएंगी। एंड गाइस, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, आने वाले टाइम में काफ़ी नए नए फीचर्स भी आएंगे, बट मैं आपको भी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप देख सकते हो ग्लोबल प्लेयर रैंकिंग एंड स्टैट्स, आपको एक प्लेयर के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी कि वो कितना अर्न कर रहे हैं यहाँ तक। एंड यहाँ उनने पूरा एक एग्जाम्पल दिया है कि आप कितना विन किए हो, कितना लूज़ किए हो, सारा देख सकते हो। एंड अब मेन बात करते हैं बैक्ड बाय वर्ल्ड क्लास पार्टनर्स, एंड डेफिनेटली गाइस वर्ल्ड क्लास पार्टनर बाइनेंस, जो
वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस लैब्स, उनने इन्हें बैक किया है। Crypto.com में काफ़ी इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी जब Crypto.com से, वो काफ़ी बड़ा ह्यूज मूवमेंट था। जेन ब्लॉक कैपिटल है, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, एनीमो का ब्रांड जो वेब थ्री एंड जो गेमिंग जॉनरा है इसमें सबसे बड़ा है। एनीमो का ब्रांड जो काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे बड़े गेम एनीमो का ब्रांड के इन्वेस्टमेंट के साथ ही रहते हैं। एलिमेंटल रिसर्च जो कि अनदर वन ऑफ द बिगेस्ट वेंचर, सो इनका भी इन्वेस्टमेंट है। हैश की कैपिटल है, डबल पीक है, एंड इतने सारे पार्टनरशिप के साथ साथ आप देख सकते हो गिल्ड्स की पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, जो YGG है, गिल्ड फाई है, इनकी और भी गिल्ड पार्टनरशिप है जो यहाँ नहीं है, जैसे एक एवोकाडो गिल्ड आप देख सकते हो, एवोकाडो डाओ भी यहाँ पर है, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में और भी पार्टनरशिप होगी। एंड इनकी टीम काफ़ी प्रोफेशनल है, मैं खुद एंड हमारी सी एच की टीम काफ़ी टाइम से इनके एडमिन्स एंड इनकी टीम के कॉन्टेक्ट में है, सो हमें पता है कि वो कितने डेडिकेटेड है एंड कितना हार्डवर्क करते हैं। एंड गाइस, हम कैसे कॉन्टेक्ट में, मैं आपको वो भी बताऊँगा। एंड आप देख सकते हो फेस क्लैन जो वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैन है वर्ल्ड में, एरिक रिवेरा जो फेस क्लैन के हैं वो इस गेम के एडवाइज़र भी, तो आप सोच सकते हो इनके पास टीम में कैसे कैसे टाइप के लोग हैं एंड कितने बड़े लोग हैं। एंड बात करते हैं इनके रोड मैप की, एंड वो बोल रहे हैं कि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्ट एंड ट्रूली अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। आप देखते हो अल्फा गेम प्ले जो Q3 मतलब सेप्टेम्बर तक में आ जाएगा, एंड डेफिनेटली थोड़ा मार्केट कंडीशन के कारण थोड़ा डिले हुआ है, बट डेफिनेटली डिले लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये डेफिनेटली जल्दी ही लॉन्च करेंगे। तो बीटा लॉन्च होने वाला है Q4 में, जो कि बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ है माविया के लिए, इनके लैंड प्राइसेस के लिए। अगर आप इनका लैंड होल्ड करते हो तो डेफिनेटली आपके लैंड की प्राइस काफ़ी बढ़ने वाली है। एंड NFT गेम ऐप लॉन्च, तो इनका एक NFT ऐप लॉन्च होने वाला है, जो इनका गेम लॉन्च है वो होना है Q1 में। एंड इनका फ्री टू प्ले ग्लोबल लॉन्च, जो मेन गेम लॉन्च ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा, वो होगा Q2 में। तो गाइस, ये सब डिसीजन मार्केट कंडीशन को देख के लेना पड़ता है, क्योंकि वेब थ्री एंड प्ले टू वन काफ़ी न्यू है, तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है कि मार्केट कंडीशन स्टेबल हुए गेम के आने के लिए। एंड माविया आर्ट गैलरी आप देख सकते हो, इसमें काफ़ी सारे माविया के आर्ट लगे हैं। तो माविया आर्ट गैलरी मतलब अब जितने हम आर्ट माविया के लिए डिज़ाइन होते हैं वो सारे यहाँ पर दिखेंगे, एंड डेफिनेटली आपको सेज के काफ़ी आर्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम एज एम्बेसडर इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली आपको वो सब इनकी आर्ट गैलरी में देखने मिलेगी। एंड गेम डेक पे एक डेफिनेटली डिफरेंट वीडियो आएगा, जो कि हमारे सास्के ब्रो का होगा, एंड मैं आपको भी फर्स्ट वीडियो दे रहा हूँ जिसका एक वेबसाइट और भी। अब हम बात कर रहे थे इनके लास्ट टॉपिक, जो कि ये माविया एलाइट प्रोग्राम है एंड सेज के बारे में। सो सेज माविया एलाइट प्रोग्राम जो इनका एक देख सकते हो, अब जॉइन एन एलाइट टीम एज एन एम्बेसडर। सो आप एक एम्बेसडर टाइप वर्क करते हो, कम्पीट करते हो अदर एम्बेसडर्स के साथ आपके वर्क को प्रोवाइड करके। एंड आप देख सकते हो जिनका फर्स्ट एम्बेसडर प्रोग्राम हुआ था Season 1 जो मार्च में हुआ था, उसमें सेज हम थर्ड आए थे। काफ़ी ज़्यादा टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, अराउंड 120 प्लस टीम्स का पार्टिसिपेशन था, एंड उसमें हम सेज थर्ड आए थे। सो हम काफ़ी एक्साइटेड थे उस टाइम पे, एंड हमने इनकी काफ़ी लेजेंडरी लाइन वॉन किए थे। एंड अभी इनके काफ़ी सारे सीजन्स के आने के अनाउंसमेंट हम काफ़ी सारे सीजन्स में वॉन किए। सो गाइस, ये इनका एक माविया एलाइट प्रोग्राम है, अगर आपके पास एक टीम है तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हो, बट आपको काफ़ी सारा एम्बेसिडर वर्क आना चाहिए इसके लिए। एंड गाइस, आप देख सकते हो गेम जो कमिंग सून दिखा रहा है, तो गेम जल्दी इसका बीटा लॉन्च हो जाएगा, हम बहुत एक्साइटेड है। आपको इस चैनल पे इसकी लाइव स्ट्रीम से लेके इसका गेम प्ले सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, यहीं तक था इसका ओवरव्यू हीरोज ऑफ माविया का, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके इनडेप्थ इकोनॉमिक्स के बारे में, काफ़ी अलग चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा कि ये गेम के फीचर्स क्या होने वाले हैं। एंड गाइस, आपको हीरोज ऑफ माविया की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए एंड फन करिए इनकी कम्युनिटी में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ज्वाइन से ज्वाइन द न्यू रॉक गेम।